हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जब उपाध्याय। मैं आरती, आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? और देखो, हम लोग सुबह ही सुबह निकल गए हैं मुरैना के लिए डॉक्टर के पास। ये देखो, शौर्या बैठी है। शौर्या की और शब्या दोनों की तबीयत ख़राब है, और इधर मैं मास्क लगा के बैठी हूँ क्योंकि ना मुझे ना गाड़ी में वॉमिटिंग होती है, और फिर मास्क लगाना भी ज़रूरी है। वैसे भी मतलब इतना वायरल चल रहा है तो मास्क तो लगाना ज़रूरी है। वैसे हमारी गाड़ी में कोई और नहीं था, हम ही दोनों थे बस, पर फिर भी और मतलब मास्क से सुविधा रहती है। तो ये तो हम लोग बस सुबह ही सुबह निकल गए थे, और आज थी मेरी एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी। लेकिन क्या करें, मतलब कहीं और जाना था, उसकी जगह हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बच्चों को दिखाने, क्योंकि इन दोनों की तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एनिवर्सरी तो फिर मना लेंगे, और मतलब नहीं भी मनाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। और रात से सभ्या की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और शौर्य की तबीयत तो पहले से भी ख़राब थी। और शब्या की रात से मतलब 2 दिन से ऐसे भी फीवर आ रहा था, लेकिन रात को इसे ज़्यादा आ गया। तो इस वजह से ये ना 3 बजे से ऐसे ही जगा रहा है, इसे बहुत तेज़ फीवर था। फीवर के मारे मतलब वैसे उल्टी आ रही थी इसे, और बहुत तेज़ फीवर था। तो फिर सुबह हमें लेके निकलना पड़ा। वो एक कहावत कही जाती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो सही बात है। तो ये देखो, सभ्या भी बैठे मेरी गोदी में, और ये इनको इनको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। इनकी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, चढ़ी चढ़ी सी, और आंखें खुल भी नहीं रही हैं, ऐसी अजीब सी आंखें हो रही हैं। और ये सेल्फी के चक्कर में बैठी है, ये सोच रहे हैं कि मेरी सेल्फी ले रही है। और तो बस हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, और अभी हम पहुंचेंगे डॉक्टर के पास। तो मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं। तो हम आ गए डॉक्टर के पास, और हमने ना इसे दिखवा लिया। और ये दीदी खड़ी हैं सौरू हैं, और यहाँ से ना मेडिकल से दवाई ले रहे हैं अंदर। ये पूरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 3 मंजिल तक है। तो हम बस हम बाहर निकल के यहाँ पे ले रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, और अधिकतर यहाँ ना छोटे बच्चे ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे देखती हैं, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी। तो बस हम लोग भी दवाई लेके और निकल ही रहे थे। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे मौसी जी के यहाँ, वहाँ उनके बेटे की शादी हुई थी, तो वहाँ शादी में नहीं गए थे, इसलिए आज हमें उनके घर भी जाना है, मतलब उनकी बहू की मुँह दिखाई करने। तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो अभी हम मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच कर, तब तक के लिए बाय बाय। तो आ गए हम मौसी जी के घर, और ये देखो हमारा नाश्ता चल रहा है, और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं। और ये मौसी जी की बहुएं हैं, तो ये भाभी हैं, और ये ब्लैक साड़ी में है, ये छोटी है जिनकी शादी अभी हुई थी, तो ये देवरानी है। और वहाँ से फिर हम आ गए थे मौसी, अपनी मौसी जी के यहाँ। तो भैया वहाँ पे केक वगैरह लेके, तो यहाँ पे बस हम कर रहे हैं केक कट, और शब्या हैं, हम हैं। तो वही है ना, देखो कहाँ से कहाँ आ गए हम, मतलब सोचा भी नहीं था कि हम केक काटने के लिए यहाँ आएंगे। और हो जाता है ना कभी कभी, जो काम हम सोचते नहीं है वो होता है। तो कहाँ से कहाँ आ गए, तो मैंने केक कट कर दिया, और यहाँ पे ना म्यूजिक चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, और देखो हमने मस्ती की है, आप लोग भी देख लीजिए। Darkness.
जामुन लग रही है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी उपाध्याय। मैं आरती आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम आ गए हैं घर और आज मेरी एनिवर्सरी थी, आज मेरी फोर्थ एनिवर्सरी थी। लेकिन क्या करें, मतलब जो कुछ सोचे वो होता नहीं है। तो बस मतलब ये बस केक वेक काट लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो बेटे रोते नहीं हैं और अभी सभ्या आ गए हैं रो के। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि सभ्या की और थोड़ी की दोनों की ना तबीयत खराब है। ये ले लो इसे मत खोलो। दोनों की ना तबीयत ख़राब थी तो हम सुबह ही इन दोनों को लेके डॉक्टर के पास गए थे। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो हम अभी घर वापस आए हैं और वहीं से डॉक्टर को दिखाने के बाद ना हम मौसी जी के यहाँ चले गए थे। तो वहीं पर हमने फिर केक वेक कट किया था, वो भैया नहीं माने थे तो वो वहीं पर केक ले आए थे। तो बस हमने वहीं पर केक कट कर लिया था और ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हम सुबह के घर से निकले थे। तो मतलब जी है ना कि अगर तबीयत ठीक रहती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। जब बच्चे ही ठीक नहीं है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो बस मैं अभी आई हूँ। तो आज मैंने पहनी थी वाली साड़ी। तो मैं अभी अभी आई हूँ वहाँ से, मुरैना से मैं और दीदी दोनों गए थे। तो हम लोग बस अभी आए हैं। अभी मैंने चेंज वेंज नहीं किया है तो सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूं और आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लूं और आप लोगों को बता दूं कि आज क्या था। तो आज मेरी फोर्थ एनिवर्सरी थी, लेकिन क्या करें, ऐसा ही हो जाता है बच्चों के साथ में। जब बच्चे ठीक रहते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब बच्चे ठीक नहीं है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इसके चक्कर में हमने कुछ भी नहीं किया है और वहाँ पहुँच गए थे मौसी जी के यहाँ। तो बस वहीं पे हमने केक कट कर लिया था। तो वो थोड़ी सी वीडियो है मेरे पास, उसे मैं लगा दूँगी, इस वीडियो में ही ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और शौर्य की शब्बी की दोनों की तबीयत तो ख़राब हो गई थी। सभ्या को ना रात को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, 3 बजे से इसने सोने नहीं दिया, ना ये खुद सोया था ना इसने किसी को सोने दिया। इतना तेज़ बुखार था कि मतलब मैं बता नहीं सकती, हाथ रखो तो हाथ जल रहा था, इतना तेज़ बुखार था इसे। तो जैसे ही सुबह हुई तो सुबह हम जल्दी में इसलिए निकल गए थे, संडे था ना। हाँ बेटा, संडे की वजह से डॉक्टर एक बार ही बैठता है क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है ना। तो फिर हमने डॉक्टर से बात कर ली थी तो उन्होंने बोल दिया था, तो फिर हम इसलिए ने लेके गए थे जल्दी जल्दी में। और मैं जाने में मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बना पाई थी तो वो आप लोगों ने देख ली होगी। हाँ बेटा, रोते नहीं है और अभी भी ना ये रो रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी। नहीं बेटा, रोते नहीं है, चलो मैं आ रही हूँ, चलो। और मैं बस अभी आपको दवाई ववाई देती हूँ और इसे, हाँ आ रही हूँ, दवाई वाई देती हूँ और इसे सुलाती हूँ। तो जो सोचती है ना वो कभी नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है, हर किसी के साथ होता है भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा ठीक बना रहे और मुझे ना ही बर्थडे मनाना है ना ही एनिवर्सरी, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये ठीक बना रहे, सब कुछ अपने आप मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, बस ये ठीक बना रहे। तो मतलब सब लोगों की यही वो रहती है कि बस हमारे बच्चे ठीक बने रहें और मतलब और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ना ही बर्थडे मनाने की ना ही एनिवर्सरी की, बस ये ठीक बने रहें ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब तो यही ठीक नहीं रहते ना तो फिर थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। वैसे ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फीवर 2 दिन ही हुए थे तो हमने इसे तुरंत दिखा लिया था। क्योंकि एक कहावत कही जाती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो बस हमारे साथ भी वो सेम वही है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो बस ये लगता है कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। तो हम एक बार से मतलब झटका खा चुके हैं तो इस वजह से हम इसे छोटे मोटे डॉक्टर पर किसी पर भी नहीं दिखवाते, हम डायरेक्ट इसे उसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ पे ये शुरू में गया था, उसी डॉक्टर
को हम दिखाते हैं उस वो जिस डॉक्टर ने ये शुरुआत में हैंडल किया था बस हम उसे ही दिखाते हैं, बाकी का हम किसी डॉक्टर से नहीं दिखाते। और तो बस अब मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए कर लीजिए। सॉरी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो रही हो ना तो उसके लिए सॉरी। और आप सभी लोगों को बहुत जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ वो बहुत कम है इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं मतलब जितनी भी थैंक यू बोलना चाहूँ ना वो भी आप लोगों के लिए कम है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और एनिवर्सरी जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएँ दी हैं मैं उन लोगों उनको भी सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने कुछ लोगों को तो अभी तक रिप्लाई भी नहीं कर पाया है तो बस मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। तो बाय बाय, मिलूँगी मैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ एक नई वीडियो में, मतलब एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, थैंक यू माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड।